वेलकम बैक टू वन मोर जबरदस्त व्लॉग, वो भी बिल्कुल दुबई वाला। तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा जाने वाले तो थे 27 तारीख को, लेकिन आज कहाँ जा रहे हैं जो दुबई कर रहे हैं, तो वो बताएगी आंचल। यस, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग जाने वाले हैं दुबई, जैसा आप लोगों को पता ही है। तो उसके लिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार व्लॉग लेके आए हैं। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो, चाहे वो हमारा मतलब डोमेस्टिक ट्रिप हो, या मतलब विद इन सिटी आप कर रहे हो, या कहीं भी आप जा रहे हो, तो हम लोगों का मेन कंसर्न रहता है ट्रिप से रिलेटेड हमेशा ईच एंड एवरी टाइम, कि हम लोग अपना बैग कैसे पैक करें, हम क्या क्या कलेक्शन वहाँ के लिए रखें, किस तरीके से हम अपने सामान को एडजस्ट कर लें, पूरा भर लें एक ही बैग में, मतलब क्या हमें किस तरीके से मतलब एडजस्ट करना है अपने सामान को बेसिकली, जो हम लेके जाना चाहते हैं, और कितना सामान हमें कितने दिन के लिए लेके जाना चाहिए, किस टाइप के कपड़े में लेके जाना चाहिए। तो अभी हमारा जो मेन वीडियो है वो है पैक माय बैग फॉर दुबई। हालांकि ये बैग अन्नू का है, मेरा नहीं है, वो अपना स्टार्टअप का बैग यहां पे रखा हुआ है, पूरा मेरा बैग वहां है, मेरा कलेक्शन। इसके बैग की हालत देखो, ये है, ठीक है, अभी पिन्नी लगी हुई है, बता पिन्नी लगी है, इस पे भी लगी हुई है, मेरे बैग की है, इस पे भी पिन्नी लगी हुई है। तो गाइस, मैं आपको ये बता दी थी कि हमने सोचा कि जैसे लोग बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, और मैंने देखे भी हैं बहुत सारे वीडियो, इवन दो जब मैं मतलब ट्रिप के लिए प्लान कर रही थी, आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर द वीडियोस कि हम दुबई के लिए क्या क्या कलेक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर द सेम। सो अभी कंसर्न क्या होता है कि मैं आज सिर्फ जो हम शेयर करने वाले हैं वो हम अन्नू का पैक माय बैग का पूरा क्लिप हम दिखाने वाले हैं आपको, पूरा वीडियो, किस तरीके से उसने कपड़े खरीदे हैं ये भी आपको बता देगा, कहाँ कहाँ से लिया है, क्या कलेक्शन है, किस तरीके से पैक कर रहा है, क्या क्या सामान ये लेके जा रहा है दुबई में, ठीक है, सब कुछ बताएगा आपको डिटेल में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अन्नू के पैक माय बैग से रिलेटेड है, मेरा वीडियो आएगा क्योंकि मेरा सामान अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं ला पाई हूँ अभी वो वीडियो। जैसे मेरा सामान कंप्लीट हो जाएगा, मेरा कलेक्शन पूरा हो जाएगा, आई विल आल्सो गो टू फॉर देम। तो भाई मेरा सामान आ चुका है, तो अभी एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो कि लड़के हैं वो क्या क्या लेके जा सकते हैं अपने साथ दुबई। क्योंकि देखो जो मैं लेके जा रहा हूँ, मैं आप लोग जानते हो कि यार अगर हम किसी भी कंट्री जाते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि भाई वहाँ ठंड है गर्मी, और किस हिसाब से उसका टेम्परेचर है, ठीक है। अगर वहाँ पे ठंड है तो भाई ऑफिस सर्दियों के कपड़े जाएंगे, और अगर गर्मी है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक काम करता हूँ, आंचल को बना देता हूँ मैं यहाँ पे कैमरामैन, और कैमरा वुमन कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इस वाले बैग में अभी तक क्या क्या रखा है, और अगर आप लोग दुबई जाते हो तो आप क्या क्या रख सकते हो, ठीक है। तो सारा कलेक्शन जो मेरा अभी तक है, और मेरे तो सारी शॉपिंग हो गई है, कुछ रह रहा है, सब कुछ जान हो चुका है अन्नू का, सिर्फ एक हाँ एक चीज इसकी अभी रह गई है, जो हम लोग कल जाने वाले हैं डीएलएफ मॉल, तो अगर ही वांट्स टू बाय तो ही, कुछ ब्लर लग रहा है मुझे थोड़ा सा, अब नहीं लगेगा लो, तो कुछ एक चीज इसकी रह गई है जो कि है इसका बीच के लिए एक कलेक्शन, इसको लेना था, पता नहीं वो लेगा या नहीं लेगा, वैसे वो बोल रहा था, तो अभी इसका वीडियो आपको दिखाते हैं, इसके क्लोज देख के कमेंट करना। मेरा ना मन हट चुका है, मतलब एकदम से वो लेके बीच पे, मतलब क्योंकि मैं जो कपड़े लेके जा रहा हूँ ना, वो मेरे को लग रहा है बहुत है, इससे कपड़े बहुत हो गए, खरीदेंगे वहां से भी तो कुछ खरीदेंगे ना। और आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये टी शर्ट कैसी लग रही है जल्दी से बताओ, फिर आप लोगों को बैक से देखने के लिए मिलेगी कि कौन सी वाली टी शर्ट है, ठीक है। सामान पूरा चलो, जो भी मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं किसी पे भी प्रेस नहीं है, और मेरे नए के नए कपड़े मैंने ऐसे उठा के रख दिए हैं, और एक पे भी यहाँ पे प्रेस नहीं है, मैं इसलिए आगे आ रहा हूँ ताकि मेरा पीछे का ब्लर हो जाए। ब्लर है। तो भाई देखो जितने भी यहाँ पे कपड़े हैं इनको मैं जाने से पहले प्रेस कराऊंगा, तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आ जाओ बेटा। तो अभी देखो यहाँ पे पूरे कपड़े रखे हुए मेरे, और अगर इसको देखा, ये आपने पहले भी देखी होगी, मैंने एक्स्ट्रा में रख ली थी अपनी लिकोस्टे की एक शर्ट। अब ये देखो, ये मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं था, ये मैं सिटी टूर के लिए लेके आया हूँ, ये और इसके साथ है ये ब्लैक कलर की प्यूमा की टी-शर्ट। फर्स्ट टाइम कैमरे से शूट कर रहे हो, और ये आप देख सकते हो, ये इसके भी टैग, इन दोनों के टैग भी नहीं टूटे हैं अभी, ठीक है। तो ये मैंने सिटी टूर के लिए रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी आप शॉर्ट्स रख सकते हो ना, मतलब जितने आप इस तरह के कपड़े रख सकते हो कि यार कॉम्बिनेशन टी शर्ट का और शर्ट का, ये आपको प्यूमा से मिल जाएगा। और ये सिटी टूर के लिए, और बाकी भाई एक ही इसका भी टैग नहीं टूटा, ये भी प्यूमा से आपको मिल जाएगी,
पूरी टी शर्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपको खाली, आप ये देख लो यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो क्या बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस फरारी को देख के समझ गए होगे कि मैंने किस लिए रखी है, क्योंकि आबू धाबी हम स्टार्टिंग में जाते हैं, सबसे पहले जो मेरे कपड़े होंगे वो यही वाले होने वाले हैं, तो इसको भी ज़रा साइड में रख देते हैं। उसके बाद लव मैं थोड़ा वैसे दिखा देता हूँ। अच्छा एक काम करो तुम ना, मैं बताता हूँ, तुम निकाल के दिखाओ, ठीक है। ठीक है, मैं बताता रहता हूँ। अभी देखो ये मेरे यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये एक ये टी शर्ट थी, ये मैंने बस एक ही बार पहनी है, वो भी तीज पे शायद पहनी थी, है ना, जैक एंड जॉन्स की, ठीक है। इसको भी साइड रख देते हैं। एक ये तो ये शॉर्ट्स भाई ये लेके आया हूँ मैं, ज़्यादातर आप लोग जानते हो यार कच्चे बच्चे पहने जाते हैं, तो भाई इसको भी साइड रख देते हैं, ये भी लेके आया हूँ किसी चीज़ के लिए। और अभी मैं दिखाता हूँ मेरी सबसे कूल भाई टी शर्ट जैक एंड जॉन्स की, जो कि है ये, और इसमें पीछे एक हुडी भी थी, ये मैंने आज तक अभी दिखाई नहीं किसी को भी, और ये देख सकते हो अभी भाई कितनी कूल लगती है यार ये, इसमें पीछे कैप भी, हालांकि वहाँ गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मेरी फेवरेट टी शर्ट में से एक है। हालांकि इसको टी शर्ट नहीं बोल सकते, लॉन्ग टी शर्ट टाइप होती है, ये कलेक्शन में से आउट हो चुकी थी, आउट स्टॉक हो गई थी, हाँ, फिर अनु को ये बहुत पहले लेके आया था, और दिस मतलब ये ऐसी टी शर्ट है इसमें कहीं कोई डिस्काउंट नहीं था। और उसके बाद भाई ये बाइक आप देख सकते हो, और यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ डुकाटी, तो ये मेरी नई की नई डुकाटी की टी शर्ट है, इसको भी मैं पहनने वाला हूँ। उसके बाद सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये बता देती हूँ कि अनु जितने भी कपड़े यहाँ पे लिए जो आप देख रहे हो, ये सारे जितने भी कपड़े हैं ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे वेदर से रिलेटेड है कि आप बिल्कुल कितनी भी गर्मी हो पहन सकते हो, हाँ, आराम से, क्योंकि कॉटन टाइप का ही कुछ कुछ कपड़ा है ये, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने उसी टाइप से कपड़े खरीदे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं, मेनली आपके कपड़ों में क्या डिपेंड करता है कि आपको वेदर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, लेकिन गर्मी वाले ही कपड़े वहाँ पे आपके काम करेंगे। अगर आप इस सीजन में जा रहे हो, सेप्टेम्बर में जा रहे हो, अक्टूबर में जा रहे हो, या फिर आप जुलाई अगस्त किसी भी मतलब टाइम पे जा रहे हो इस वाले सीजन में, तो आपको बिल्कुल कॉटन वाले कपड़े ही लेने पड़ेंगे, वहाँ बहुत गर्मी होती है, बिल्कुल जलाने वाली धूप होती है। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखे हैं, उसके बाद हमने शॉपिंग स्टार्ट की थी। तो यू कैन कंटिन्यू, अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे अच्छे ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी भाई जैक एंड जॉन्स की मेरे कुत्ते वाली टी शर्ट है, इसको मैं पहनने वाला हूँ, आज तक नहीं पहनी है मैंने। उसके बाद भाई ये जींस है, इसके भी टैग टूटे नहीं है, ये भी मैं लेके आया था, ये देख लो भाई, ये मैं मुफ्ती से लेके आया था, मैंने शॉपिंग दिखाई नहीं थी इसकी, और ये देखो कितनी कूल लग रही है, इसमें यहाँ भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक जींस रखी है अभी, वैसे रखी तो और भी है, ये सब अनप्रेस्ड है, क्योंकि अनप्रेस्ड है, खाली दिखाना। ये मैंने अमेजोन से, सॉरी स्निच, ये मैंने बीच के लिए मंगाई थी, नहीं ये मैंने यार्ड के लिए मंगाई थी स्निच से, ठीक है। और मत बताओ कि मैं एक्टिविटीज क्या करने वाले हैं, ठीक है ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये मतलब अब कोई नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ इतना प्यारा लग रहा है, व्हाइट कलर का शॉर्ट्स है इसके साथ, ये आप ये सब कॉटन है, बिल्कुल प्योर कॉटन के सारे ये कपड़े हैं, इसमें गर्मी लगने का कोई वो, ये मैंने फ्लाइंग मशीन से लेके आया था, मैं ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, इसको मैं लेके आया था, ये मैंने ऑनलाइन स्निच से मंगाया, क्योंकि मेरे को जिस तरह की शर्ट चाहिए थी ना, कहीं नहीं फूल पत्ती वाली, कहीं नहीं मिली थी, वो खाली स्निच पर मिली मुझे, मॉल छोड़ा होगा, हां, तो वो मैं यहां पे लेके आया। अब ये अनप्रेस्ड है, इसका टैग भी नहीं टूटा है, मैंने ऐसी रख दी थी जब से आई थी, बहुत प्रिटी है। उसके बाद भाई ये है, ये क्या चीज है भाई, ये तुम्हारी स्पाइकर वाली जींस, अच्छा हाँ ये मेरी जींस है, कुछ कुछ पुराने कलेक्शन में मिले जा रहे हैं, ये मेरी पुरानी वाली जींस है, ठीक है, इसको पुराने कर ले, हर सारी चीज नई नहीं है, कुछ पुरानी भी है, ये अरमानी वाली भी पुरानी है, इसको भी रख दो साइड को, तो पुरानी है तो है, तो ये भी मेरा शायद पुरानी वाली है, ये उन्होंने जैसे ऐसी रात, ये मैंने ऐसी रात के लिए निकाले थे। और भाई अब आती है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, डुकाटी, तो ये शर्ट ये कहाँ पहनोगे, ये मत ये नहीं बताऊंगा कहाँ पहनूंगा, इसके टैग भी नहीं टूटे अभी, ये मैं खोल के दिखा देती हूँ, थोड़ी सी प्रेस होकर जाएगी, वैसे मतलब आप देखोगे वो तो पहनने के बाद, बहुत कूल शर्ट है भाई, ये बहुत ज्यादा कूल शर्ट है। अब बाकी का इसका, अगर आपको अन्नू के ऊपर ही कितना अच्छी लगती है उसको अगर आपको देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे आने वाले व्लॉग्स, बिल्कुल अपकमिंग व्लॉग्स, इसको भी हटा दो। ये मेरी एक नई जींस में लेके आ गया था, ये भी अनू ने कहाँ से ली थी पता नहीं, ये मैंने कहाँ से ली थी, फ्लाइंग मशीन से ली थी, हाँ फ्लाइंग मशीन, जब मैं शॉर्ट्स लेके आया था तब मैंने जींस ले ली थी, बहुत प्यारी लगी मुझे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, हाँ मैं एक और चीज बताती हूँ, ये पहली बार कलर पहन रहा हूँ, ये कलर पहली बार पहन, पहली बार तो नहीं मतलब हम जब से मुझसे मिला है, मतलब मैं पहनते नहीं, 2016 से पहले इसकी पिक्चर्स थी फेसबुक के, जिनको देख के आई वॉज इम्प्रेस्ड, व्हाइट टी शर्ट के साथ ये जींस पहनता था, ये बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बाद से इसने छोड़ दिया पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस कलर बहुत अच्छा लगता था, मैंने इसको इस बार फोर्स कर दिया, मेरे को ये वाला कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले तो पहनते थे, क्यों नहीं पहनते, पहले पहनते था, मेरा मन ही नहीं करता इन कलर्स का, पर तुम स्मार्ट लगते थे इस कलर में ना, इसके साथ व्हाइट टी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं, ये सारी चीज हमारी हो चुकी है, अब दिखाने शूज, नहीं उधर भी तो है, हाँ अभी इसको वापस से आप चल लगा देगी, तो भाई ये वाला हमने आपको ऑलरेडी, अच्छा एक सेकंड ना हट जाओ एक सेकंड, ये वाला हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ये वाली साइड, अब मैं ये वाली साइड दिखाने वाला हूँ, तो पहले स्टार्ट भाई यहाँ से कर लेते हैं, इसको नहीं इससे नहीं करते, ये थोड़ी पर्सनल जाएगी, बाद में दिखाते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं इससे, यहाँ क्या आइटम रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक रखी है भाई आंचल वाली फरारी की कैप, क्योंकि इसको ले जानी थी, ये यूनिसेक्स है, कोई ये यूनिसेक्स है, ऐसे तो मेरे पास तो फरारी की टी शर्ट है, अगर मैं उस पर फरारी की कैप लगा दूंगा ना, तो जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई मेरे को ये ना बोलते कि भाई ये फरारी वाले सेल्स वाले नहीं है, ठीक है, तो उसका साइड रखते हैं। तो यहाँ पे रखी हुई है मेरी डुकाटी की चप्पल, और यहाँ पे रखे हुए मेरे नए के नए डुकाटी के शूज, आप देख सकते हो जो
बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं। और डुकाटी के बाद यहाँ पे रखे हुए हैं BMW सीरीज, भाई ये देखो, भाई साहब मजे आ गए, टंबल ड्राई वालों ने मतलब मजे खड़े कर दिए। ये मेरे पैसे वसूल, ये मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिए थे अपने शूज, ये वैसे मैंने कम ही पहने, एक दो बार ही पहने यार, इतने नए कर दिए एकदम, बिल्कुल नए जैसे कर दिए इन लोगों ने। तो ये मेरे यहाँ पे शूज हो गए डुकाटी, BMW, और वैसे प्यूमा BMW है, लेकिन एक जोड़ी और रखे हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने अभी क्योंकि इसलिए नहीं रखे यहाँ पे क्योंकि वो मैं पहन के जाऊंगा, और जो मैं पहन के जाऊंगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ। ये तो वो कपड़े हैं जो मैंने खाली रखे हुए हैं, जो पहन के जाऊंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले शूज दिखाता हूँ आपको मैं, अच्छा पहले शूज दिखा देने एक बार इसमें से दिखाते हैं। अच्छा जो मैं एयरपोर्ट पे पहन के जाऊंगा क्योंकि मेरे को फ्री होके जाना है, और तो एक और चीज जो है ना, एयरपोर्ट पे हम लोग पहन के जाने वाले हैं ना, वो है कपड़े ये वाले कपड़े हैं। तो ये मेरी एक प्यूमा की टी शर्ट है नॉर्मल सी, इसको मैं लेके आया था, इसके भी टैग नहीं टूटे यार, ये भी आज तक देखो मैंने पहनी नहीं है, खाली लेके आया था। और ये है एक बहुत ही सेक्सी, आप इसको लोअर बोलो कुछ शूज बोलो, भी लेके आ रही हूं ठीक है आराम से। तो ये वाला कॉम्बिनेशन है ब्लैक लोअर, और ये मैं एयरपोर्ट पे पहन के जाऊंगा, और इसके नीचे जो शूज पहनने वाला हूँ मैं वो ये पहनने वाला हूँ अपने, ठीक है। ये आपने बहुत वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन ये दोबारा से टंबल ड्राइवर ने ब्रांड न्यू कर दिए हैं, इसलिए मैंने रखे हुए थे। ये देखो, ये देख रहे हो भाई साहब, मौज खड़ी कर दी लोंडो ने, इतने मेरा एक वीडियो तो देख रही थी। ये सारे शूज मैं लेके जा रहा हूँ, तीन जोड़ी शूज मैं चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो देख रही थी गाइस, जैसे अनु ने बहुत लिमिटेड रखे हैं शूज, मतलब 3 पेयर ऑफ शूज रखा है, हम लोग 8 डेज के लिए जा रहे हैं, 3 पेयर ऑफ शूज है, 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स है। तो मैं एक वीडियो देख रही थी, जैसे लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं जनरली, इवन दो हम भी हैं या कोई भी है, हम क्या करते हैं कि सोचते हैं यार 8 दिन के लिए जा रहे हैं यार, हर दिन अलग जूते पहनेंगे। हालांकि इसके पास अगर आप उसकी अलमारी वहाँ पे देखोगे तो भरी पड़ी है जूतों से कम 10 से 15 जोड़ी जूते भी पड़े हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ हल्के होगा, ये देखो यहाँ पे वाइट वाले एडिडास वाले रखे हुए हैं, और ये रिबोक वाले रखे हुए हैं, ये यहाँ पे रखे, सुनो ना मेरी बात, बहुत सारे शूज यहाँ पे रखे हुए हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे रखे हुए हैं, वहाँ पे फुटबॉल वाले भी रखे हुए हैं, क्रिकेट वाले भी इधर कहीं रखे होंगे, वो फॉर्मल से रखे हैं, जूते बहुत है मेरे पास, शूज का कलेक्शन बहुत है। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब शूज का कलेक्शन बहुत सारा है इसके पास भी, लेकिन जो इसके फेवरेट वन है वो उनको लेके जा रहा है सिर्फ अभी रिसेंट वाले। क्योंकि क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां भी लड़के भी, हम बहुत सारे जूते चप्पल भर लेते हैं कि हर दिन अलग जूते पहनेंगे, हर दिन अलग चप्पल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे लगते हो, फेवरेट हो, वही लेके जाओ। क्योंकि जब आप बैग का वेट ले जाते हो ना एयरपोर्ट पे, वेट वाला बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है कि आप 20 kg कैरी कर सकते हो, 30 kg, अदरवाइज उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस यू हैव टू बेयर। तो हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना चाहते, इसलिए हम लिमिटेड वेट लेके जा रहे हैं। और भाई क्योंकि हम दुबई जा रहे हैं तो वहां पे यार ये सब कलेक्शन बहुत होता है, तो क्या पता हमें कुछ अच्छा लग जाए, हमें कुछ परचेज करने का मन करे, तो इसलिए लिमिटेड चीजें लेके जाओ। अगर आपका मन करने लगा तो आप वहां से भी कुछ खरीद सकते हो, है ना। तो इसलिए हम लोग लिमिटेड चप्पल जूते ले जा रहे हैं, कपड़े ले जा रहे हैं हर डे के हिसाब से, और हमने वेटलेस कपड़े रखे हैं जिनमें वेट कम से कम हो। और अभी देखो इसको साइड कर देता, इसको हटाने के बाद इनको भी हटा दो, मेरे उनको पे भी दोबारा प्रेस होगी। और ये लोअर जो है ना भाई, इसको मैं बीइंग ह्यूमन से ले गया था, क्योंकि ये मेरे को इतनी कूल लगी थी ना पहनने के बाद, ये देख रहे हो, इसका मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा था यार, ये बड़ी सही लोअर लगी थी मेरे को। इसको साइड रख देते हैं, लो इसको भी हटा दो एक बारी, इसको भी हटा दो, फिर हम लोगों को अपनी प्राइवेट चीज़ें दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरी कुछ प्राइवेट चीज़ें रखी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ रखी हुई है मेरी चड्डी भैया, ठीक है, देख सकते हो उस दिन आप लोगों को दिखाई थी मैंने, यहाँ पे रखी हुई है। और इसको यहाँ पे मैंने कुछ अपनी सॉक्स रखी हुई हैं, ये भी मैं उस दिन लेके आया था, छोटी सी जो होती हैं एंकल। और उसके बाद यहाँ पे रखी हुई है मैंने अपना भाई किट रखी हुई है, ये शेविंग वगैरह की, जो कि मेरे आती नहीं है लेकिन स्टिल मैं रख लेता हूँ पता नहीं क्यों। और ये जो पैकेट है ना, इसमें मैं रखने वाला हूँ अपने बहुत सारे क्रीम, और जो मतलब मेरी बालों पर लगाने की वैक्स है, बस। तो ये है मेरा जाने का पूरा बैग, और इसी चीज़ की मेरे को ज़रूरत है। बाकी जो कैमरे वाला बैग होगा वो देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे को कैमरे के साथ मिला था, ये मेरा राइडिंग बैग था, इसमें मैं अपना कैमरे का सारा सामान रख लूँगा, और जिससे मैं एडिटिंग करूँगा वो वहाँ पे लैपटॉप बैग है, उस लैपटॉप बैग को भी मैं लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे, वो जो रखा हुआ है सामने आप देख सकते हो लैपटॉप बैग रखा हुआ है, ये बैग ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, और ये आंचल वाला ये बैग। तो यही मैं बैग लेके जाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा ढोआ ढाई नहीं करते ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा सामान भी नहीं रखना कि भाई फिर ना खुद ही परेशान हो जाए, क्यों भाई, सही बात है। बिल्कुल यार, हम लिमिटेड सामान लेके जाना चाहते हैं जिसमें हम एंजॉय कर सकें। रीज़न ये है कि भाई अगर इतना ज़्यादा सामान ढो लिया ना, और पता चले कि यार हम अनकंफर्टेबल दो आदमी हम जाने वाले हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि हम लोग व्लॉगिंग करते हैं तो हमारे पास व्लॉगिंग का भी इतना सारा सामान होगा, दो दो कैमरे होंगे और ट्राईपॉड वगैरह स्टैंड, तो हमारे पास व्लॉगिंग के लिए इतना सारा सामान ऑलरेडी होगा जिसको हम बैगेज में सबमिट नहीं करा सकते, जो हमें खुद से कैरी करना पड़ेगा। तो वी वॉन्ट कि हम उसको कट शॉर्ट करके अपनी चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो विल परचेज फ्रॉम देयर। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आप लोगों को हमारे ये वाला कैसा, मतलब मेरा कैसा लगा, लड़के कमेंट करके बताना, मेरा भी आएगा अभी बहुत जल्दी आएगा। ज्यादा जो रखा हुआ है मैंने भाई खाली अपना वैसा रखा हुआ है, मतलब कि जो
गर्मियों वाला हिसाब है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है अब मेरे को, बस मेरा सब कुछ हो चुका है, बस मेरे को अब जो कराना है वो थोड़ी थूथ पे अपनी ठीक करानी है। और जो सबसे गंदी चीज यहाँ पे हुई है वो है ये कि जो कि हर वीडियो में दिख रहा है चला गया, थोड़ा सा ग्रूमिंग अनु को कराना है, लेकिन ये हो नहीं रहा यार। ये देखो ना यार, इस नाक के निशान ने हो जाएगा। ये इसी महीने आया जब से किसी ने नजर लगा दी मेरे को, जब से पता चला लोगों को दुबई जा रहा हूँ, देखो मेरी नजर लग गई, देखो ये, देखो ये निकल रही नजर। थोड़ा सा ग्रूमिंग वाला पार्ट अनु का सिर्फ बचा हुआ है, जो इसको खुद के लिए कराना है ग्रूमिंग। गाइज मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी आप लोगों के लिए क्वालिटी वॉइस एवरीथिंग वी आर पुटिंग और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये गलती से मैंने 4K में बना दिया पूरा व्लॉग, कोई दिक्कत नहीं। बट कल जो अनु ने वीडियो बनाया था, जो उसने ऑफिस में मुझे प्रैंक किया था, वो काफी अच्छा था। क्वालिटी मैंने उस वीडियो की देखी, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया उस व्लॉग पे कि आपको क्वालिटी कैसी लगी, वॉइस कैसी लगी। दिस इज सो बैड, हम लोग आप ही लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आते हैं देखते हैं, अगर किसी वीडियो